वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन निकालेंगे। तो देखो W क्या होता है, माइनस PdV, पर हमारा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो हम लोग जब इसका डिराइव करेंगे फॉर्मूला, आइसोथर्मल वर्क डन का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस NRT ln log बेस E V2 बाय V1 आता है। अब देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, क्या बोला है, आइसोथर्मल है, मतलब क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हम लोग को पता होता है P2V2 इज इक्वल टू P1V1 तब जब T कांस्टेंट होगा। तो इस केस में क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P2V2 इक्वल टू P1V1 इंप्लाइज दैट P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। देखो P2 बाय P1 इज V1 बाय V2। तो हम लोग इसको V2 बाय V1 क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस NRT ln P1 बाय P2 हो जाएगा, करके देख लीजिए P1 बाय P2। सो आइदर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ या ये यूज करूँ, यहाँ पर मैं ये वाला यूज करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर V2 और V1 नहीं दिया है, यहाँ मुझे P2 और P1 दिया है, तो मैं आइसोथर्मल वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा वर्क डन आइसोथर्मल, माइनस इंटू 1, एन मोल बोला है, बोला 1 मोल है, इंटू आर अभी पुट नहीं करते, इंटू एल एन कितना, P1 बाई P2। इनिशियल प्रेशर बोला है 10 atm, अच्छा ये क्वेश्चन इनका है फ्रॉम 10 atm टू 1 atm था, क्वेश्चन में है फ्रॉम 10 atm टू 1 atm। अच्छा मैं TV मिस कर गया, ठीक है लेट्स से यहाँ मैं इसको कट करता हूँ, इसे पूरा कट करता हूँ। W हो जाएगा माइनस NRT माइनस N1 R इंटू T कितना, 300 कैलोरी। ये मेरा NRT पुट हुआ, अब क्या पुट करूँगा, LN P1 बाय P2, P1 है 10 atm और P2 है 1 atm, तो LN 10 atm बाय 1 atm, तो LN 10 कितना हो जाएगा देखते हैं, ये आएगा माइनस 300 R, ये LN 10 होता है, LN 10 को मैं लिखूंगा 2.303 log 10, log 10 1 हो जाना है, सो W इज इक्वल टू 300 R इंटू 2.303, तो ये हो गया माइनस 2.303 इंटू 300 इंटू R। अब करना क्या है, R का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा, आंसर कैलरी में आप अगर निकालना है तो R को 2 कैलरी पुट करेंगे, और जूल में आंसर को निकालना है तो R को 8.314 जूल करेंगे। आप एग्जाम में दोनों निकाल सकते हैं, अगर MCQ में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो चार ऑप्शंस में से देख लीजिए कैलोरी में है या जूल में है, तो उस तरीके से आर को पुट कर सकते हैं।